हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना, आज मैं आपके साथ वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वेज बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास चावल लिया है, इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। कुकर मैंने चढ़ा लिया है, ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। मैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी हम इतना डालेंगे कि हमारी सब्जी अच्छे से फ्राइड हो जाए। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गोभी और आलू। एक आलू मैंने यहाँ पे काट लिया है और इसे अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और थोड़ी देर इसी तरह से इसे भुनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, बीन्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला में मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लहसुन डालेंगे और अदरक, दोनों को मैंने कूच लिया है, उसे मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ और इसे अच्छे तरह से भुनेंगे थोड़ी देर। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है, उसे मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम डालेंगे बिरयानी मसाला, एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच और इसे अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। मसाला भून गया है, देखिए मसाला घी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया, उसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे दही। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है दही, इसे मैंने फेंट लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें अब चावल। चावल का पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे, चावल का पानी हमें इसमें नहीं डालना है और इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे इसी तरह से थोड़ी देर हम 1 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा काजू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। और इसमें अब हम मिलाएंगे पानी। चावल मैंने 1 गिलास लिया था, अब हम इसमें 2 गिलास पानी मिला रहे हैं, दूना पानी हम मिलाएंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे इसमें हम हरा धनिया। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे। दो सीटी लग चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट बनी है बिरयानी। अब हम इसमें घी डालेंगे थोड़ा सा और इसे डालकर थोड़ी देर छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि चावल हमारी टूटेगी नहीं, तो थोड़ी देर हम इसे छोड़ देते हैं ढककर।
बिरयानी बिल्कुल फ्लफी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल एकदम खिला खिला है और तले में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। हमारी वेज बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।